टॉमी पॉलिटेक्निक कॉलेज बिसार डायरेक्ट और एपीजेईई एडमिशन फॉर 3 इयर्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन सिविल ट्रिपल ई एंड सीएसई स्कॉलरशिप बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट कैंपस इंटरव्यू इन सिलेक्टेड डिपार्टमेंट्स बाय साउथ इंडियन मैनेजमेंट ड्रग्स को लेके एडिक्शन चीज़ को लेके कुछ करेंगे बोले तो सर अभी तक क्या किया है और कितना और आगे करने के लिए आपका चाहिए। वो बात सही है, मैं इसलिए थोड़ा पहले मेरा स्पीच नहीं बोला, मेरा ड्रग्स को लेके मेरा स्ट्रेस है क्योंकि हम लोग लीडर हो के अगर इसको केयर नहीं करें आने वाला दिन में हम लोग का फ्यूचर जनरेशन खत्म हो जाएगा, इसलिए जो मैं कहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ और आने वाला दिन में और जितना सप्ताह मैं करूँगा क्योंकि बीच में क्या हो गया हम लोग का कोरोना को लेके हर वो चीज़ में हम लोग का काम रुकावट है, इसलिए भिन्न है। मैं जो इलेक्शन कैंपेन में भी बोला हूँ और आज मेरा स्पीच में भी बोला हूँ ड्रग्स के लिए मैं सीरियस हूँ, लेकिन ये कोरोना को लेके बहुत चीज़ में सिर्फ नॉट ओनली इन ड्रग्स ये एडिक्शन हर चीज़ में हम लोग मुखावत हैं सर। तो और आखिरी सवाल आपसे ये रहेंगे कि सर आप जो हमारे बोरडूसा या चंगलांग डिस्ट्रिक्ट की जनता है खास करके बोरडूसा टाइम तो जनता को सर आप ये ड्रग्स एडिक्शन सेंटर जो आज खोला है उसके ऊपर में किस प्रकार से मतलब आप थोड़ा मैसेज देंगे कि आप भेजना है भेजना है। नहीं, आज जो बोरडूसा में ड्रग्स एडिक्शन सेंटर खोल के हम लोग का चंगलांग डिस्ट्रिक्ट के लिए ये बहुत बड़ा उनका अचीवमेंट है। मैं जितना भी चंगलांग जिला पब्लिक के लिए बोलता हूँ कि अपना अपना गांव में ऐसा एडिक है आप लोग लेके ये बोर्ड में सेंटर में आप लोग कॉन्टेक्ट में रहना है और फेस वाइज में जितना सकता है एडिक को हम लोग ड्रग्स का जो मेहनत से हम लोग बचाना है ये सबसे बड़ा चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी हाँ, हमारे साथ हमारे चंगलांग डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर सर से हम ये पूछना चाहेंगे सर, जैसे कि आपने मेंशन किया था और हमें भी ये पता चला कि ये सोर्स है कि सर असम काउंटर पर जिसके बॉर्डर सा एक ओपन बॉर्डर है जो कि ड्रग का बहुत ज़्यादा टर्न ओवर होता है यहाँ पे, तो सर उस चीज़ को लेते हुए असम काउंटर पर से आपने किसी भी कहा बात किया सर किस हद तक आगे बढ़ा है और ये कैसे हमने अपने लोकल इन्फॉर्मर्स के थ्रू और लोकल सोर्सेज के थ्रू पता लगाया था कौन से मेन चैनल्स हैं जहाँ से ये इलीगल आइटम्स आते हैं, उसके बाद हमने अपने काउंटर पार्ट से ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया था एंड बिकॉज ऑफ कोविड इन द मंथ ऑफ मार्च वी कुड नॉट इमीडिएटली एक्ट अपॉन बट एज दिस जी एडिक्शन सेंटर हैज स्टार्टेड दीज थिंग्स विल रिवाइव बिकॉज अभी लॉकडाउन भी खुल गया है तो वी हैव एन आइडिया सोर्सेज क्या है एंड वी विल बी एक्टिंग ऑन देम इन अ टारगेटेड मैनर इन कोऑर्डिनेशन विद द असम गवर्नमेंट
जैसे और आखिरी सवाल सर ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी डी एनिशियल सेंटर सारे चावान डिस्ट्रिक्ट के लिए खुल गए तो यहाँ पे सिर्फ केवल 10 सीट है, तो सर इस 10 सीट को बढ़ाने का कुछ उपाय है थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन और इस 10 सीट को सर किस प्रकार से चूज करेंगे? हाँ जी, ये 10 सीट जैसे कि चूज करने का मैंने आपको तरीका बताया, विलेज लेवल पे आपको एक ग्रुप को टारगेट करना है, फ्रेंड सर्कल को टारगेट करना है। जब आप एक फ्रेंड सर्कल को सही कर देते हैं देन यू मूव टू द नेक्स्ट वन। एंड उसके अलावा जो सीट बढ़ाने की बात है उसमें हम इनके परफॉर्मेंस को 3-4 महीने के लिए देखेंगे। DMO will give an inspection report. If the performance is good and if there is capacity, we will write to the state government to increase so that more number of patients can come and get themselves treated. Okay, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। हम SPG चकवाल से हम ये पूछना चाहेंगे, जैसे कि सर ने कहा था कि इस बार पिछले 2018 से लेके 2019-20 तक बहुत सारा एरर्स भी हुआ हमारे ड्रग्स को लेके, ऑपियम को लेके, तो सर ने एक चीज़ मेंशन किया था यहाँ पे जैसे कि मेडिकल ग्राउंड में बेल लेके सब निकल जाते हैं, तो सर उसके ऊपर में सर जैसे कि मेडिकल ग्राउंड में निकल जाते हैं उसका कुछ कर चुकी थी सर, हो सकता है मतलब उसको जैसे कि डी एलेक्शन सेंटर अभी खोला गया है उसमें रख के उसको मतलब कुछ करना पड़े जैसे कि उसने क्राइम किया है सर उसको? हाँ जरूर, कुछ किया जा सकता है अगर रिहेबिलिटेशन सेंटर का अगर कैपेसिटी अगर बढ़ाया जाए, और जो जिस तरह से जो कस्तूरी के अंदर में विड्रोल सिंड्रोम निकालने के बाद जो समस्या आते हैं, अगर इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में अगर ट्रीटमेंट करके फिर दोबारा अगर जेल में अगर ला जाता है तो इसमें एक सोलूशन आ सकता है। लेकिन इसमें रिहेबिलिटेशन सेंटर में गवर्नमेंट का कितना कैपेसिटी है, कितना सीट कैपेसिटी है, उस पर निर्भर रहेगा। सर आखिरी सवाल ये रहेगा सर, जैसे कि जितना भी अभी तक देखा गया खास करके सर में सर कोई पकड़ लेता है, पुलिस पकड़ लेता है सभी सर भी दो तीन दिन के बाद में सर निकाल जाते हैं सर उसको पकड़। बेल में निकालना पुलिस का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, कोर्ट का मैटर है बेल, और पुलिस तो चाहता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको अंदर रखें, और अफ्टर ऑल बेल निकालना नहीं निकालना वो कोर्ट डिसाइड करते हैं, हम तो हमेशा अपोज करते हैं बेल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बात, थैंक यू। एवरीडे जैसे फोल्डिंग करते हैं जितना अपना डॉक्टर होल्ड फोल्डिंग करके कोई क्यों यहाँ पे एक टेबल टेनिस कोर्ट खेली ले भाव हाँ के लिए ड्रग्स डी एडिक्शन टू लोरी बोले बहुत बहुत लगे अपना फिजिकल मेंटल सब चेंज हो गए एक्सरसाइज लगे সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ এইটো হলতে এটা টেবুল টেনিছ বৰ্ড কিনা এটা হওক দুটা হওক এইটো কিমান হ'ব মই কিনি দিম কিলে কৈছোঁ ইহঁতি ইয়াতে আহি কিনে একটা আপুনি ডিচি চাপৰ কোৱাৰ নিচিনা এইটো এটা মানে ইয়াত আহি কিনে মেডিকেল নহয় একটা ৰিকেশ্যনৰ চেণ্টাৰ হ'ব লাগে সেইটো কাৰণে ইয়াতে টেবুল টেনিস কাৰণে এটা হওক দুইটা হওক স্পেচটো চালে দুইটা আমি সোমাই যাব বোলে দুইটা টেবুল টেনিছ কৰ আৰামছে হ'ব বোলে মই দনবস্ক থকা সময়তে মই আমি অলপ ৰখিম সেইটো কাৰণে টেবুল টেনিছটো যদি খেলাই সিহঁতে বহুত ফুট মন। हम इस प्रोग्राम की बात करते हैं तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब हमने लास्ट ईयर शुरुआत करी थी तो सबसे पहले बागुन और मार्केटोंग जैसे इलाकों में हमने जाके जितने भी पुलिस की सहायता से लोग मिले थे जो कि जनरली पैडल करते थे उनको 107 सीआरपीसी में बुक किया था और कुछ लोगों को जेल में भी रखा था 10 से 14 दिन और काफ़ी अराउंड 12 लोगों को हमने 10,000 रुपये का बॉन्ड भरवाया था। इन लोगों को 6 महीने तक 10,000 रुपए जमा करके रखने पड़े थे और उसके साथ साथ डॉक्टर कुमला टेम्स गए थे, इन्होंने ट्रेनिंग लिया था और इन्होंने 3 बैचेस में 35 लोगों का इलाज किया था। उन 35 लोगों के इलाज करने के बाद उन 35 लोगों में से 12 लोगों को स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में जो पेंटिंग और टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के वर्क होते हैं वो हमने दिए थे। जब उन 35 लोगों को हमने वापस फॉलोअप किया क्योंकि हम उनको हर महीने वापस बुलाते थे चेक करने के लिए कि वो कानी लेते हैं कि नहीं नहीं है उसका पास भी क्योंकि उसको तो वो एडिक्ट को जो एडिक्टेड आदमी है वो चीज को तो वो फिर
शूटिंग करने के लिए तो खाना सही, तो खाने कहाँ से मिलेगा? सब पास पैसा होगा तो मिलेगा, पैसा नहीं होगा नहीं मिलेगा। तो ये सोशल मैनेज है कि एक हमारा दुश्मन है सोसाइटी के लिए, ये दुश्मन को कैसे संभालना है, कैसे ट्रीटमेंट देना है, इसके लिए गोमेनो विद्या का एक स्कीम है, प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहलिज्म ड्रग सब्सटेंस रिड्यूस स्कीम में यहाँ एक एड देता है, ग्रांट देता है। ये दूसरा जो क्राइम्स जो होता है जंगल में, जैसे मारपीट होता है, जो मर्डर होता है इस तरह का, उस क्राइम्स का जो इफेक्ट सिर्फ एक फैमिली में होता है या एक इंडिविजुअल में होता है, और ये ड्रग का जो इफेक्ट जो है सारा सोसाइटी सारा समाज में होता है, तो दिस इज वेरी हीनियस वेरी सीरियस क्राइम, तो इसलिए हम सीरियसली इसको टेकअप करना है। और मैं लास्ट 3 साल का फिगर जो चंगलांग डिस्ट्रिक्ट का जो फिगर है उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ, इससे थोड़ा बहुत आपको अंदाज लग जाएगा कि कैसा अभी सिचुएशन स्पेशली जो NDPS और ये ड्रग का रिलेटेड में किस तरह का एनवायरमेंट है। लास्ट 3-4 साल से मैं ओवरऑल स्टेट का मैं फिगर जो क्राइम डाटा को चेक करते हैं तो चंगलांग हमेशा NDPS केस में आगे ही रहता है, सबसे ज़्यादा केस रजिस्ट्रेशन चंगलांग में होता है। जैसे लास्ट 2017 में काफी सारा केस रजिस्टर किया था 38 केस। विभाग और काम करे जे ऊपर का जे भूल हमार ड्यूटी है सर, वी आर कमिटेड टू द सोसाइटी, दैट्स व्हाई वी हैव कम आउट, अदरवाइज नो पॉइंट कॉलिंग अस आवरसेल्फ एज सोशल एक्टिविस्ट। हम सोशल काम कुसुली को बना लगे, हम ये होबो होबो ढूंढिसु हमार क्रिश्चियन और चर्च ब्लैक एकटा एकटा चर्च एकटा दल আছে एकटा ग्रुप আছে एकटा काम करे भी धर्म क्षेत्र दुली इनटू एक